स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी जूलॉजी ऑनर्स का फाइलम पॉलीफेरा। फाइलम पॉलीफेरा में स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी ऑनर्स। जितने भी विद्यार्थी होंगे जिनका सेमेस्टर वन चल रहा होगा उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले माई सेल्फ मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बात करते हैं फाइलम पॉलीफेरा का। फाइलम पॉलीफेरा यदि बात करें हम फाइलम पॉलीफेरा का, तो पॉलीफेरा देखिए नाम से ही क्लियर है, पोरी। पोरी का मतलब पोस, मतलब छिद्र वाला स्ट्रक्चर मिलेगा इसमें, छिद्र वाला स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह का। ये आपका इस तरह का, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, इस तरह का पॉलीफेरा होते हैं। यहाँ एक बड़ा सा छिद्र होता है, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है। यानी कि नाम से ही क्लियर है पोरी। फाइलम यानी कि एनिमल किंगडम का एक फाइनल है, फाइलम है, एक संघ है जिसमें हम लोग पॉलीफेरा को पढ़ना है। पॉलीफेरा दैट मीन्स पोर्स। पोर्स का मतलब क्या होता है, छिद्र। छिद्र के जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, नजर आ रहा है ना। तो डेफिनेशन इसका होता है कि दैट फाइलम इन विच दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल विच हैव सम फोर्स इन आवर बॉडी। ये अपने बॉडी पर क्या लेकर के आएंगे, फोर्स लेकर के आएंगे। अब फोर्स क्यों होता है, बिकॉज दैट फोर्स आर ऑब्जर्व द वॉटर सो दे गेट आवर न्यूट्रिशन। यही कोर्स क्या है, वाटर को रिजर्व मतलब ऑब्जर्व करते हैं और उसी वाटर से क्या होता है, इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। अब वाटर को क्यों इन लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो रीजन है क्योंकि ये एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक होने के कारण क्या करते हैं, ये वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। और बात करें तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इट इज अ फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आपके फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रोटोजोआ, याद होगा। इससे पहले जो फाइलम पढ़े थे हम लोग पढ़े थे प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, याद होगा आप लोगों के। जो क्लासेस में हमसे क्लास किए होंगे उन्हें पता होगा कि जो प्रोटोजोआ होंगे वो यूनिसेलुलर होते थे, यानी एक ही सेल पूरे बॉडी में काम करता था। और ये क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनके पास बहुत सारा सेल्स होते हैं। और एक और बात कहें तो बस सिर्फ और सिर्फ सेल पर ही इनका बॉडी रुक जाता है, सेल से कोई ऑर्गेन्स, कोई टिश्यू, कोई बॉडी इन लोग का नहीं बन पाता है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इन दिस फाइलम ऑर्गेनिज्म हैव जेनरेट ऑनली सेल्स, ऑनली अवर सेल्स एंड ऑल वर्क डन बाय देयर सेल। सारा वर्क अपना सेल से ही क्या करते हैं, डन करते हैं। ये इसका डेफिनेशन हुआ। और बात करें थोड़ा समझे कि मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में अंतर क्या होता है, तो आप देखेंगे जो पिछला हम लोग पढ़े थे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर के लिए हम बात करें तो एक ही सेल पूरे काम को करता है, और मल्टी सेलुलर के अंदर बहुत सारे सेल से काम करते हैं। जैसे हम लोग
हम लोग यहाँ जो भी जीव जंतु हैं सब मल्टी सेलुलर है, तो हम लोग के अंदर क्या है हर एक तरह का कोशिका अलग काम को करने के लिए, जबकि यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं होता है, यूनिसेलुलर में एक ही ऑर्गेनिज्म सारे काम को करता है। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका एफिशियंसी कम होगा, अरे काम करने की क्षमता कम होगा, जबकि मल्टी सेलुलर का एफिशियंसी काम ज्यादा करेंगे। आप खुद से सोचिए ना, आपके घर में सिर्फ और सिर्फ आपको सारे काम को करने के लिए कह दिया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? सारे काम को आप अकेले कर रहे हैं, और हमारे घर में 10 सदस्य, हम लोग 10 मिल करके किसी काम को कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग करेंगे कि आप कीजिएगा? आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, क्योंकि सारे काम को आपको खुद करना पड़ रहा है, और हम लोग सारे काम को करने के लिए बहुत सारे आदमी है, तो एफिशिएंसी ज्यादा जाएगा, हम लोग जल्दी काम को निपटा देंगे। तो मल्टी सेलुलर किसी काम को जल्दी करते हैं, इन लोग लेट से करते हैं, यानी कि इन लोग की दक्षता अधिक होती है, इनकी दक्षता कम होती थी। तो प्रोटोजोआ आप नहीं पढ़ना है, आप क्या पढ़ना है, पोरीफेरा पढ़ना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एकदम बेगिनर्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर थे। अब इसमें मल्टी सेलुलर हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ सेले बना है, कोई ऑर्गेन्स नहीं होते हैं पोरीफेरा के अंदर, नहीं कोई आपका टिश्यूज होते हैं, और नहीं कोई बॉडी जो ऐसा निर्माण होता है एक स्पेशल प्रकार का, सिर्फ मल्टी सेलुलर, बहुत सारा सेलुलर उनके बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई ऑर्गेन्स नहीं होते, जैसे हम लोग का हाथ पैर है वैसे नहीं होता है, हाथ पैर नाक आंख मुंह कान वैसे नहीं होता है, मतलब बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं ना। तो ये था आपका डेफिनेशन, मल्टी सेलुलर होते हैं तो भैया इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ये तो डेफिनेशन हुआ, अब बात करते हैं इनका हैबिट और हैबिटेट। तो जल्दी से नोट करेंगे और देखते हैं इनका हैबिट और हैबिटेट कि मतलब ये रहते कहां है। तो टॉपिक आपका हो गया हैबिट एंड हैबिटेट। यदि इनके हैबिटेट की बात करें या हैबिट की बात करें तो यह एक्वाटिक होते हैं, तो कह सकते हैं कि पोरीफेरा या पोरीफर्स आर कॉमनली found in marine or fresh water. So that is called aquatic animal. इन्हें aquatic animal के नाम से भी जाना जाता है। वो भी एक्वाटिक में कहां, मरीन और फ्रेश वाटर में मिलते हैं। मरीन बोले तो याद कीजिए मरीन, अरे सॉल्ट वाटर यार, सॉल्ट वाटर को ही मरीन कहा जाता है, तो सॉल्ट वाटर में मिलेंगे। और फ्रेश वाटर बोले तो जिसमें सॉल्ट की मात्रा नहीं हो, जैसे पॉन्ड्स हो गया, इसके अंदर सी हो जाएगा आपका, है ना, पॉन्ड्स हो गया, लैक हो गया, रिवर हो गया, ये सब फ्रेश वाटर होते हैं। ऐसे मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम इन लोग यहां मिलेंगे, कभी कभी सम टाइम्स यहां मिलते हैं, कभी कभी आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, कौन, पॉरीफर्स। तो इनका हैबिट और हैबिटेट हुआ, क्लियर। आइए अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका, कैरेक्टर्स। तो बात करें कैरेक्टर्स का, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर्स की बात करें तो यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला कैरेक्टर क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनका जो इफिशियंसी होगी वो अधिक होगी। इनका इफिशियंसी क्या होता है, अधिक होता है, क्लियर। यूनिसेलुलर की अपेक्षा इफिशियंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, काम करने की दक्षता अधिक होगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर यदि बात करें तो यह डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कुछ याद आ रहा है, डिप्लोब्लास्टिक प्रोटोजोआ के अंदर पड़े थे बाबू, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक बोले तो इनके अंदर सिर्फ दो जर्म्स लेयर, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दो जर्म्स लेयर पाए जाते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली टू जर्म्स लेयर
इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक और दैट ऑर्गेनिज्म विच हैव थ्री जर्म्स लेयर इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक आप लोग पढ़े थे, याद होगा? नहीं याद होगा तो हम लिख देते हैं, इनके पास सिर्फ टू जर्म्स लेयर पाया जाता है। टू जर्म्स लेयर में कौन कौन मिलेगा? तो एक आपका आउटसाइड में और दूसरा कहां रहेगा? इनसाइड में, मतलब एक बाहर और एक अंदर। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बाहर वाला को क्या कहते हैं और अंदर वाला को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट कर लेंगे जब वीडियो को देखते होंगे। तो आउटसाइड वाला को याद होगा, आउटसाइड वाला को कहते हैं एक्टोडर्म और अंदर वाला को क्या कहते हैं बाबू? एंडोडर्म, है कि नहीं? इसके अंदर मेसोडर्म नहीं होता है, इसके अंदर मेसोडर्म, मेसोडर्म होता तो फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है, यानी कि इसके अंदर मेसोडर्म क्या है? एब्सेंट है। और इसमें क्या आता है कि जो एक्टोडर्म है बाबू, इस एक्टोडर्म को कहा जाता है पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म। और जो एंडोडर्म है इसका नाम दिया गया है कोनिकोडर्म, कोनिकोडर्म। तो याद रखिए थोड़ा नाम चेंज होगा, एक्टोडर्म को पिनाकोडर्म और एंडोडर्म को क्या बोला गया? कोनिकोडर्म। अब ये दोनों लेयर के बीच में जैसे आपका एक पॉरिफर्स है, तो उस पॉरिफर्स के अंदर क्या देखेंगे कि जो पिनाकोडर्म है, ये मान लेते हैं आपका पिनाकोडर्म हो गया और ये आपका कोनिकोडर्म हो गया। ध्यान से देखेंगे, ये आपका पिनाकोडर्म हो गया और ये आपका कोनिकोडर्म हो गया। इनके बीच में नॉन सेलुलर सबस्टांस भरा होता है। नॉन सेलुलर बोले तो नॉन सेल्यूलर सबस्टांस, एक लिक्विड के जैसा सबस्टांस भरा होता है, नॉन सेल्यूलर, जिसमें कोई सेल नहीं होता है, जिसमें कोई भी सेल नहीं होता है वो इसमें भरा होता है, जिसे मेसेनकाइमा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मेसेनकाइमा, मेसोडर्म मत समझ लीजिएगा, मेसेनकाइमा इसे कहा जाता है। यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में नॉन सेल्युलर सबस्टांस भरा होता है जो कि लिक्विड के जैसा होता है और जिसे क्या कहते हैं हम लोग? मेसेनकाइमा। जिसे क्या कहा जाता है? मेसेनकाइमा। ये दो प्रॉपर्टीज हुआ। तीसरा प्रॉपर्टीज इसका क्या है, मतलब तीसरा कैरेक्टर्स इसका देखेंगे। जल्दी से पहले दो को नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे दो ठो जल्दी से। नेक्स्ट बात करें थर्ड नंबर, तीसरा कैरेक्टर है कि अब पोर, इनके पास पोर होता है, इट्स हैव सम पोर ऑन देयर बॉडी। इनके बॉडी पर कुछ क्या होता है? पोर पाए जाते हैं। पोर मतलब छिद्र, छिद्र छिद्र टाइप से होते हैं, जैसे आपको बताया तो इस तरह का। पहली बात तो किया डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दूसरी चीज की पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे इस तरह से। डिप्लोब्लास्टिक का तो दो लेयर होता है और याद रखें हमेशा ये नीचे से, मतलब कि अर्थ से सटे होते हैं, पानी में होते हैं लेकिन हमेशा भूमि से क्या होते हैं? एक मतलब कोई भी सरफेस से सटे होते हैं, हमेशा सरफेस से क्या होते हैं? सटे होते हैं। वो कोई भी चीज का सरफेस हो वो सटे होते हैं। यहाँ पे छिद्र बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं इसमें? छिद्र होते हैं। इसे ही कहा जाता है पोर, इसे ही क्या कहा जाता है? पोर। और इस पोर का जो नाम है बाबू, इस पोर का जो नाम है उसे इसे कहते हैं ऑस्टिया। और एक इसमें बड़ा सा पोर होता है, ये पोर, ये बड़ा पोर है, बिग पोर, इसको कहा जाता है ऑस्कुलेटम। ये सब को कहा जाता है छोटा छोटा जो है उसको ऑस्टिया, और जो ऊपर वाला है उसको क्या कहा जाता है? ऑस्कुलेटम। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? तो जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करें, चौथा वो है कि इनमें केनाल सिस्टम पाया जाता है, इट्स हैव केनाल सिस्टम। अब भैया ये केनाल सिस्टम क्या है, तो ध्यान से देखेंगे इसमें जो पोर्स का काम क्या है, तो पोर्स
पूरे आपको रिवर हो या लेक हो वहां से वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं। पोर क्या करते हैं, पोर जितना भी है वो वाटर को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। वाटर ऑब्जर्व, वाटर को ऑब्जर्व करते हैं कौन, पोर। और ये जो ऑस्कुट लेटर मतलब पोर बोले तो क्या, छोटा सा पोर जो ऑस्टिया था, और जो आपका ऑस्कुलेटम है ये वाटर को रिड्यूस करता है। वाटर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कहने का मतलब यहां से पोर से क्या है, चारों तरफ पोर है ये, अगर ऑस्कुल मान लीजिए यही एक पोरिफर्स है तो इसके चारों तरफ छिद्र वहां से क्या आएंगे, वाटर ऑब्जर्व होंगे अंदर आएंगे, और वाटर के थ्रू सारा न्यूट्रिशन आता है, फूड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सारा चीज इसके आता है, और यही से अंदर रेस्पिरेशन होगा और जो भी आपको वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ये जो आपका ऑस्कुलेटम है ये वाटर को क्या करता है, बाहर निकलता है, और वाटर के द्वारा ही सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। वाटर से ही सब आता है, वाटर के द्वारा ही सब जाता है। क्या बात है, वाटर से सब आता है, वाटर से सब जाता है। तो वाटर से ही सारे मटेरियल इसके अंदर आते हैं और वाटर से ही सारे मटेरियल जाते हैं। तो जहां से जाता है बड़ा पोर होता है जिसे ऑस्कुलेटम कहा जाता है, और जहां से आता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। याद रखिए ये चौथा करेक्टर था, इसी सिस्टम को, इसी को वाटर आने और जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, केनाल सिस्टम। तो इनके पास केनाल सिस्टम होते हैं। और बात करें फाइव नंबर करेक्टर इसका, तो इन्हें ऑस्पॉन्जिलस भी कहा जाता है। ऑस्पॉन्जिलस इट्स लाइक एज स्पॉन्जिया। अभी स्पॉन्जिया क्या होता है, स्पॉन्जिया एक तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक तरह का आपका सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि वाटर आने और जाने की प्रक्रिया होता है, इसमें भी हो रहा है, इसे स्पॉन्जिया भी कहा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल की बात बताए, एग्जांपल की बात बताए तो आप लोग बहुत बड़े बड़े होटल में गए होंगे, हम भी कभी कभी चल जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे, बड़े बड़े होटल में जाते होंगे और छोटा मोटा तो मिठाई खाएंगे नहीं आप लोग। हाँ भाई, साइंस के स्टूडेंट है, बीएससी, तो आप लोग जाते होंगे और माने स्पंज देखे होंगे आप लोग, कोई खास बड़ा मिठाई नहीं है, सब कोई खा सकता है, तो कहने के लिए कह दिए। स्पंज देखे होंगे, स्पंज में क्या होता है, अगर ऐसे कस के निचोड़े तो बहुत सारा रस नीचे गिरता है कि नहीं, फिर छोड़ के उसे रस में डाल दे तो सारे रस को फिर खींच लेता है। स्पंज, स्पंज मिठाई की बात करें, स्पंज स्वीट की, अगर ऐसे निचोड़ दे तो सारा रस गिर जाता है, अगर फिर से उसे रस में डाले तो ऑब्जर्व करता है, यानी रस में डाल रहे हैं तो रस को खींच रहा है और फिर बाहर छोड़ रहा है। जस्ट वैसा ही प्रोसेस है, पानी में डाले तो सब पानी को ये ऑब्जर्व करता है, चाप दे तो सारा पानी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन स्पंज के अंदर जैसे पानी आता है वैसे ही जाता है, इसमें आने जाने की थोड़ा सा डायरेक्शन अलग है, इसे स्पॉन्जिया भी कहा जाता है। याद रखिए पोरिफर्स को या पोरिफेरा को स्पॉन्जिलस भी कहा जाता है, इसे स्पॉन्जिलस के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका हुआ फाइव नंबर कैरेक्टर्स। नेक्स्ट बात करेंगे तो एक्वाटिक होते हैं, छठा नंबर, ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और सात नंबर बात करें तो इनका जो बॉडी होता है असाइमेट्रिकल होता है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो असाइमेट्रिकल होता है। असाइमेट्रिकल मतलब कोई फिक्स नहीं है कैसा होगा, साइमेट्रिक मतलब सममित, फिक्स है कैसे नहीं होगा, ये असाइमेट्रिकल कैसा भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। तो ये आपका इसका कैरेक्टर हुआ, सात कैरेक्टर हम आपके सामने दिखाए, जल्दी से नोट करेंगे और अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एक केनाल सिस्टम क्या होता है, पूरी तरह से जानेंगे केनाल सिस्टम, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए बात करते हैं केनाल सिस्टम का। टॉपिक बनाएंगे केनाल सिस्टम, समझ तो गए हैं केनाल सिस्टम क्या है, वाटर को लाने और ले जाने की प्रक्रिया है। आप कह सकते हैं कि दैट सिस्टम बाय विच एनी स्पॉन्जिलस, हम स्पॉन्जिलस का यूज करें, पॉलीपस भी लिख सकते हैं, एनी स्पॉन्जिलस ऑब्जर्व एंड रिड्यूस द वाटर इज कॉल्ड केनाल सिस्टम। द
है कि वो ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा कोई भी स्पॉन्जिनस वाटर को ऑब्जर्व या रिड्यूस करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, केनाल सिस्टम। अब ये केनाल सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ये केनाल सिस्टम आपके तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला सिंपलेस्ट, एकदम साधारण। सिंपलेस्ट बोले तो जैसे कि एक आपका एक सिंपल मान लेते हैं, ये आपका एक पॉरिफर्स है, एक सिंपल पॉरिफर्स है, ये आपका ऑस्टिया हो गया, ये आपका ऑस्कुलेटम हो गया, ऑस्कुलेटम। अब सिंपल क्या होगा कि ये वाटर को ऑब्जर्व करेगा और ये वाटर को रिड्यूस करेगा, तो ये आपका सिंपलेस्ट हो गया। इसी को कहते हैं सिंपलेस्ट केनाल सिस्टम, की बस वाटर आ रहा है, सारा रेस्पिरेशन हो रहा है और यहां से ऑस्कुलेटम से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका यदि एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया ये इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड होता है आपका सेकेंड की बात करें तो सेकेंड का नाम है साइकोन टाइप केनाल सिस्टम, साइकोन टाइप केनाल सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट पोर के द्वारा आपका जो वाटर ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे ये आपका हम बात करें तो ये आपका एक मान लेते हैं, ये आपका एक, ये स्पॉन्जिलस है एक, और इसमें क्या, इसको मॉग मत समझ लीजिएगा, स्पॉन्जिलस है ना, हड़बड़ में बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बुक में देख लेंगे या गूगल पर सर्च कर लेंगे, अच्छा सा फिगर आ जाएगा, क्या सर कितना खराब गंदा बना दिए, इतना गंदा गंदा कौन बनाता है, कोई बात नहीं, गूगल पर आप लोग देख लेंगे, बढ़िया मिल जाएगा, आप लोग छाप सकते हैं, आप लोग ऐसे भी अच्छे स्टूडेंट हैं। तो बात करें यहां तो इसके पास देखिए, जब इसको नजदीक से देखा जाएगा, इसका छोटा सा टुकड़ा दिया जाएगा, देखेंगे यहां पर क्या होगा, जो छिद्र टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से है कि नहीं, इस तरह से आपको सबसे पहले एक हम लेते हैं, यहां से क्या होंगे कि ये आपका एक पोर्स से क्या होगा, वाटर जाएगा अंदर, अभी डायरेक्ट इसके अंदर ही चल जाएगा, यहां से यहां पे एक टूटेगा और यहां से एक और रेडियल पोर बनाएगा और यहां से क्या होगा, वाटर अंदर जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये मान लीजिए ठीक, यहां पे ऐसे कटेगा छिद्र जो रहता है पोर्स, यहां से क्या होगा आपका, ये एक केनाल सिस्टम होगा, यहां से वाटर पोर के द्वारा अंदर जाएगा, अब डायरेक्ट इसमें नहीं जाएगा, यहां से एक नया केनाल सिस्टम बनेगा इस तरह के, अब यहां से वाटर क्या होगा, यहां के पोर से वाटर अंदर जाएगा, यहां के पोर से क्या होगा, वाटर अंदर है। इसको स्पॉन्जिलस इसको भी कहते हैं, यही अंदर वाला को बोला जाता है स्पॉन्जिलस। तो इस तरह से पोर में डिवाइड होकर के जाते हैं तो उसे कहा जाता है साइकोन टाइप केनाल सिस्टम, इसमें इसको कहा जाता है करंट केनाल और इसको कहा जाता है रेडियल केनाल, रेडियल केनाल इस तरह से। नेक्स्ट थर्ड नंबर आपका जो होता है वो होता है ल्यूकोन टाइप, ल्यूकोन टाइप। इसके अंदर क्या है कि जो स्पॉन्जिलस है ये बहुत भागों में टूट जाता है, सबसे डिफिकल्टी है, ये तो एकदम साधारण, इसमें क्या होता है पोर्स डिवाइड होता है, केनाल सिस्टम डिवाइड, इसमें स्पॉन्जिलस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसके अंदर क्या होगा, क्या सर कितनी गंदी गंदी फिगर बना रही हो आप, हम लोग को भी इतना गंदा गंदा बनाने के लिए सिखाते हैं, कोई बात नहीं, चलिए एक फिगर बन गया। इसमें ये जो स्पॉन्जिलस है क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है,
अब यहाँ से इसमें वाटर आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, और सबसे आपका अंदर का प्रोसेस होगा और यहाँ से वाटर क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा ऑस्मोलेटम से। तो ये सबसे एक्स्ट्रा टाइप होता है। इसका एग्जाम्पल है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है साइकॉन, और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका खुद एग्जाम्पल है स्पॉन्जिलस। इसका खुद एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिलस। तो ये आपका हुआ पूरा केनाल सिस्टम। क्लियर? क्लियर? चलिए बिल्कुल क्लियर होगा, नोट करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जिलस या पोरीफेरा। अब इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, जल्दी से नोट करेंगे। अब टॉपिक आपका रहेगा क्लासिफिकेशन। स्पॉन्जिलस, स्पॉन्जिलस को ही पॉरीफेर पॉरीफस के नाम से भी जाना जाता है, जहां तक आप लोगों को पता चल चुका है। आइए तो बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस का। तो आप लोगों को याद होगा कि जितने भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं सब में क्लासिफिकेशन कुछ ना कुछ होता है। इसका भी क्लासिफिकेशन होता है। तो आपका जो बुक है, जो सिलेबस है, उसमें तीन तरह के आपको स्पॉन्जिलस को पढ़ने हैं। एक जिसका नाम है कैलकेरिया, कैलकेरिया फर्स्ट का क्या नाम है? कैलकेरिया। सेकेंड आपको पढ़ना है हेक्साट्रिकोनिलिडा, हेक्साटिनेलिडा। और जो लास्ट आपको पढ़ना है उसका नाम है डेमोन स्पॉन्जिया, डेमोन स्पॉन्जिया। ये तीन तरह का पढ़ना है। ये कैलकेरिया के अंदर बात करें तो छोटे छोटे स्पॉन्जिलस, स्मॉल स्पॉन्जिलस के बारे में पढ़ना है, जिसका जो साइज होगा वो लगभग 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर हाइट वाला पढ़ना है। और इनका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन जो इनका होता है वो इसका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसीलिए नाम पड़ा है कैलकेरिया। कैल्शियम कार्बोनेट का इनका स्केलेटन बना होता है, इसलिए नाम क्या पड़ा है? कैलकेरिया। तो इसका स्टडी पूरी तरह से हम लोग करेंगे। हेक्साटिनेलिडा के अंदर बात करें तो हेक्सा के मतलब जानते हैं 6, हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। हेक्सा का मतलब ही आपको पता है 6। तो 6 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं छोटे छोटे स्पॉन्जिलस, जिसे टूट रहा था ना 6 पार्ट्स में टूट करके अंदर डिवाइड होते हैं। और जो अंदर का स्पॉन्जिलस था अभी आप लोग जो पीछे पढ़े थे, जस्ट उसमें जो टूट रहा था स्पॉन्जिलस लास्ट पार्ट में देखे थे ना, जस्ट वही है, 6 पार्ट में टूटते हैं। इनका जो साइज होता है ये थोड़ा मीडियम साइज के होते हैं, और इनका साइज की बात करें तो लगभग 1 मीटर तक के होते हैं। और इनका जो स्केलेटन होता है वो बना होता है सिलिका का या सिलिकॉन का, सिलिकॉन का बना होता है इनका स्केलेटन। वही बात करें हम डेमोन स्पॉन्जिया के अंदर तो ये लार्ज साइज वाले होते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्जिलस, इनका साइज एकदम लार्ज होता है। साइज मतलब बहुत ही लार्ज होता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा बड़े बड़े होते हैं। और बात करें तो इसका जो स्केलेटन होता है, इसका स्केलेटन बना होता है सिलिकॉन का ही बना होता है, लेकिन स्पॉन्जिया फाइब्रस होता है इसमें, स्पॉन्जिया फाइब्रस और सिलिकॉन दोनों का बना होता है। ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का, तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा। इनका जो स्पॉन्जिलस होता है वो 6 पार्ट में डिवाइड होता है, इसका स्पॉन्जिलस स्पॉन्जिलस 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट तक डिवाइड रहेगा, लेकिन 6 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। अगर 6 पार्ट में डिवाइड होगा तो वो हेक्साटेनेलिडा के अंदर आ जाएगा, 5 पार्ट तक डिवाइड होगा तो किसके अंदर आएगा? डेमोन स्पॉन्जिया के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट क्लास से 1, 2, 3 यही टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मजा आया होगा पढ़ने में तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।